मोर का। अच्छा ये बताइए, अब शादी उदी का क्या ख्याल है? शादी उदी कब करेंगे? अब करते लेकिन अभी बाल विवाह बंद है ना, इसलिए नेक्स्ट गाना मेरा छठ पूजा पे स्पेशली आ रहा है, दुर्गा पूजा पे आ रहा है, और मैं अभी नहीं सुना सकता कि कई लोग चोरी भी कर लेंगे। छोटा बालक का नहीं चुराएगा कोई, ऐसा बात नहीं, आप तो मासूम है महाराज, कौन चुराएगा आपका गाना? हाँ, गणेश पूजा पे आप सभी को गाना सुनाता हूँ। के जैसे दिसंग लेके मुस्के सवारी, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, फिर जैसे दिसंग लेके मुस्के सवारी, लड्डू उनके भोग लागे संत करे सेवा, के बिनती करी कर जोर, गौरी नंदन है जग वंदन, गौरी नंदन है जग वंदन, बिनती करी सिद्ध मोर, गौरी नंदन है जग वंदन, बिनती करी सिद्ध मोर। बहुत सुंदर गाते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मतलब कि अंश बाबू का बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो कि इनके अंदर काला जो है ना कुट कुट के भरा है। 6 बरस के लड़के का इतना टैलेंट अभी नहीं हमने देखा। 9 साल हो गए। हाँ। चलिए अब साइज थोड़ा बढ़ रहा है, पहले लिए थे तो 6 साल के थे, अब मतलब कि 9 साल के हो गए हैं। अच्छा ये बताइए, अब शादी उदी का क्या ख्याल है? शादी उदी कब करेंगे? अभी नहीं करना है। कहे नहीं, अब तो कमा रहे हैं भाई, स्टार हो गए हैं, कह रहे कि नहीं करना है, कहे नहीं करना है? तो अभी नहीं करा, अभी हम सब लोग तो कहता है कि हम कमाते नहीं है तो क्या करा, आप तो कमाने लगे, सब कुछ करने लगे। करते लेकिन अभी बाल विवाह बंद है ना, इसलिए नीति जी से बोलिए कि चालू कर दे भाई, हमको करना है। ऐसा थोड़ी होता है, कहे नहीं होगा, आप बोलेंगे कि मेरा जरूरी है भाई ना सपोर्ट में आपके। हाँ ठीक है, हम शादी अभी नहीं करेंगे, स्टैंड रख लेंगे लेकिन अभी शादी नहीं करेंगे। का दिक्कत है, प्रॉब्लम का? कोई पापा मम्मी आपको डांटेंगे बोलेंगे? तो बड़ा होते तब ना शादी करते हैं सब। अरे तो अभी बड़े हैं ना, अभी अब तो बड़े 9 साल के हो गए महाराज, रोज तो बढ़िए रहे ना, अब तो हो गया, अब ये मतलब करना चाहिए, अब कमा रहे हैं, गायक हैं, बढ़िया सुंदर कॉमेडियन है, हर चीज तो मतलब कुट कुट के भरा, नेक्स्ट सुपर स्टार आप ही होंगे, पवन सिंह और खेसारी के बाद आप ही का नंबर है महाराज, सुपर स्टार में गिनती होगा। तो अभी हमको शादी नहीं करना। अच्छा अगर शादी करना होगा तो कैसा लड़की चाहिए अंश बाबू? एकदम सीधी शादी चाहिए। सीधी मतलब अनपढ़ अनपढ़ जो गांव देहात में रहते नहीं, उतना भी अनपढ़ अनपढ़ उतना भी लोग आते ना, पढ़ा लिखा हो तो मतलब इतना कैसा चाहिए, थोड़े दर्शक को बताइए, अगर देख रहे होंगे तो वो कांटेक्ट बनाएंगे ना आपके मम्मी पापा से या आपसे, अच्छी बोलने वाली, अच्छा खाना बनाने वाली, अच्छी बर्तन मारने वाली, अच्छी कपड़ा धोने वाली, ऐसी चाहिए कि हमसे कपड़ा ना धुलवाए। मेरा गाना भी आया था कि दूसरा के टंग होके खींचना बा, पिया सारी खींचना बा, ये नहीं होना चाहिए बस। लेकिन अच्छा मतलब अंश बाबू, बहुत मॉडर्न युग है, बहुत सारी लड़कियां रील बनाने वाला काम नहीं जानती है, अगर वैसा आ जाती है आपके जीवन में तो उस टाइम क्या करेंगे? या शादी से पहले हम चेक करेंगे कि आप रील बनाते के लिए तो इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करवाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो इस काम धाम भी आजकल के लड़की उतना नहीं करती है, अब आप समझ रहे हैं कि पहले वाला युग नहीं, अब नया युग है, तो मतलब कि आप क्या करेंगे? हो सकता है शादी के बाद आप ही को कहे कि कपड़ा धोइए बर्तन माजिए, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डाइवोर्स कर देंगे क्या उसको? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि तलाक हिंदू में शब्द हिंदू में नहीं आता, तलाक उर्दू शब्द हुआ, डाइवोर्स, इसीलिए हम बोले हम चक्कर में पड़ गए। चक्कर में मत पड़िए, बोलिए अगर मान ली कि आजकल तो ऐसा लड़की आ रही है ना भाई, मॉडर्न युग है, अगर शादी हो गया आ गई, अब अंदर तो नहीं जानते ना आपके, उसके अंदर मन में क्या है क्या नहीं, अभी ऊपर से अच्छा है भीतर क्या है नहीं जान, ब्याह शादी हो गया तो क्या करेंगे उस टाइम? तलाक दे देंगे, जाओ मार के, तलाक दे देंगे, सीधा तलाक दे देंगे। चलिए तो ये जब तलाक दिया जाएगा तब आप हमारे यहाँ आ जाइएगा इंटरव्यू लेने, वो तो हमको आप स्टार हो जाएंगे, चलाना तो हर पॉइंट का जरूरी है, टाइम हमारे साथ रहिएगा, आप चेक करते रहिएगा कि हम सारी कब खींच रहे हैं, कब बर्तन मांज रहे हैं, आप चेक करते रहिएगा। बिल्कुल हम दिखाएंगे ना, वो तो हर चीज दिखाना हमारा काम है,
टेंस बाबू क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, आपका न्यूज लेना काम है, कैमरा उनको फोकस करना काम है। बिल्कुल यस। अच्छा, एक दो मिमिक्री आप जानते हैं? हाँ। वो थोड़ा सा कर दीजिए। मोर का और मुर्गी का चाइनीज मुर्गा, बकरी का बकरी का मेल जिसे हम लोग गांव में बोका कहते हैं, बोका आता है तो और एक बार हम छपरा में कार्यक्रम में जा रहे थे तो यही बोका का आवाज बोले, तीन चार बोका था, सुना गया। और अब सुना दो कुत्ते का, आपस में लड़ते हैं तो और बड़ा कुत्ता था और कोई मार देता है इसी बीच में तो और कुत्ते का बच्चे का और कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेते हैं ऐसा ही साउंड होता है। चलिए, आवाज के धनी हैं और टैलेंट भी जो है ना कुट कुट के भरा अंश मिश्रा के बारे में, बाबू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बताइएगा इस छोटे से बालक के लिए कि इतना, मतलब छोटे से उम्र में इतना टैलेंट, भाई गजब है। क्या कहना चाहेंगे जितने लोग आपको प्यार दुलार देते हैं? सभी को धन्यवाद, आप सब ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखें और भी मेरे जितने भी गाना आते हैं आप सब शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए। धन्यवाद। तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।